गाइस जल्दी से रूम टूर ले लो क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। दैट्स आवर पुपेट्स, क्वाइट नाइस, क्वाइट स्मॉल। दैट्स द शावर, दैट्स द रूम। देखिए बेस्ट पार्ट इस रूम का ये है, दिस बालकोनी, यहाँ से आपको सनसेट भी दिखेगा। दैट इज द चेयर। ये देखिए, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस रूम। यहाँ पे माउंटेन्स, आरावली हिल्स, और ये गाइज ये एक बहुत ही छुपा हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं, पहले से दिख ही नहीं रहा था हमें कहीं पे भी। अगर आप रास्ते में भी आते हो तो दिखेगा नहीं। और इसकी खूबियत यही है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जंगलों के बीच में रखा गया है, पहाड़ियों के बीच में, तो इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो दुश्मनों को जब कोई भी दुश्मन यहाँ पे चढ़ाई करने आता था तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि एक्चुअल में फोर्ट है कहाँ पे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो इट्स बिगेस्ट वॉल, it's I think after Great Wall of China this is the biggest wall that was built। तो दुश्मनों के लिए भी काफ़ी हार्ड रहता होगा कि एक्चुअल में एंट्री कहाँ से है और अटैक कहाँ से करना है। तो इट्स अ वेरी वेल मिलिट्री टैक्टिक वे टू बिल्ड वन फोर्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कहीं मिलेगा ही नहीं जब तक आप गेट पे नहीं आओगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि ये आप कुंभलगढ़ फोर्ट में आ चुके हो। हाँ हाँ एग्जैक्टली, यू नीड टू कीप लुकिंग फॉर इट। रातों की बातों को भूल जाओ ना पास। हम लोग अभी कुंभलगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। हाँ, और अगर आप लाइट एंड शो देखना चाहते हो तो उसका टिकट अबाउट 180 एडल्ट का। तो अभी हम शो देखने जा रहे हैं, लेकिन शो थोड़ी देर बाद है, हम बहुत ही अर्ली आ चुके हैं। सो लेट्स सी वी कैन कुछ देख सकते हैं। अगर गाइस ये देखिए, ये है एक तरह से पूरी की पूरी वॉल यहाँ पे बिल्ड की गई है, और ये वॉल आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मगर मुझे अभी तक लॉजिक समझ में आया ये कि ये अच्छा, ये देखिए ये जो दोनों पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसके पीछे है फोर्ट, तो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मुझे लगता है इस तरह से बिल्ड किया गया है। ये देखिए, ये है नज़ारा कुंभलगढ़ फोर्ट का। यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर है और हम लोगों ने अभी दर्शन किया उसके, एकलिंग जी के। ये महाराणा कुंभा ने शायद बनाया था, सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का, फ्रॉम व्हाट आई नो, बट आई कुड बी रॉन्ग। और दिस इज़ द एक्चुअल फोर्ट जहाँ पे हम कल सुबह जाने वाले हैं। ये है एक्चुअल फोर्ट। इसकी आर्किटेक्चर देखिए, काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू एनी अदर फोर्ट्स दैट आई हैव एवर सीन। और यहाँ पे ये सनसेट हो रहा है। यहाँ पे भी एक और टेंपल है, ये भी टेंपल है जो बंद है अभी, अभी सिर्फ एकलिंग जी का ये टेंपल खुला हुआ है। और यहाँ पे होने वाला है लाइट एंड साउंड शो। सो गाइस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर लाइट एंड साउंड शो। यहाँ पे पब्लिक आ रही है। हम लोग नीचे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीटिंग एरिया भी है जो आप चेयर्स में बैठ सकते हो। बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अभी सबने रिजर्व की है। एक कोई बैठता है तो उस पे फोन या सब कुछ रख देता है, इसलिए बैठने की जगह नहीं देते हैं। हाँ, बैठने की जगह नहीं। और हमने सोचा कि यहाँ से लाइट एंड साउंड का फील अच्छा आएगा, इसलिए हम लोगों नीचे बैठने डिसाइड किया। स्कूल के बच्चे आए हैं सब के सब, पता नहीं लाइट एंड साउंड शो दिखाने के लिए लाए गए हैं, लगता है उदयपुर से है सब के सब। ये देखिए, ये है टीचर इसका। तो ये देखिए लाइट एंड साउंड की लाइटें यहाँ पे लगा दी गई है। नज़ारा काफी अच्छा लग रहा है। मुस्कुराओ अब सताओ ना पास आओ, मुस्कुराओ अब सताओ ना। राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभद्र शैली का मंदिर है जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधाय। पन्नाधाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने वनवीर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। This is our last stop. सब लोगों को इतनी भूख लगी ना, हमने वीडियो लेना ही भूल गए। ये है हनी चिली पोटैटो, कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ मिले हैं, एक चटनी। घर को मेरे यूं अब सजाओ ना, पास आओ ना, गाइस। हमने थोड़ी डिश मंगाई है ट्राई करने के लिए के साथ। ये है पुदीने के पराठे, सलाद, सम नूडल्स, हाका नूडल्स, और ये है पनीर लबबदार। पास आओ ना। अब मैं ट्राई करूँगी। थैंक्स। वैसे तो सारा का सारा खाना अच्छा है यहाँ पे। मेरा फेवरेट है ये हनी चिली जो ख़त्म हो चुका है, मगर खाना सारा का सारा अच्छा लग रहा है। तो हम मुझे लगता है कि ख़त्म तो इजीली हो जाएगा। और हम तीनों बहुत हंग्री है आज, क्योंकि दोपहर को जो भागा दौड़ी हुई है इसकी वजह से। तो वी आर जस्ट गोना अटैक ऑन आवर फूड नाउ। यस। Hey you guys, what's up? Good morning. Good morning. Look at the view. Yes. We have just come here for our breakfast. This is our day, first day and the only day that we are staying here. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे actually में stay ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ का ये जो view है वो काफी अच्छा है। और this is our hotel, Via-Lakhela. सुबह जल्दी हो गई है क्योंकि हम लोग आज निकलने वाले हैं कुंभलगढ़ फोर्ट को देखने के लिए। ये देखिए क्या नज़ारा है यार। यहाँ पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत थी, लेकिन हम लोगों ने उदयपुर में 2 दिन स्टे किया। चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर आपको फिर से ज्वाइन करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल रात हम बहुत थक गए थे क्योंकि वहाँ पे हम ट्रैवल करके आए और फिर हम वो शो देखने गए थे। लेकिन आपको रेकमेंड करूँगी कि आप वो शो ज़रूर देखना, लाइट एंड साउंड, जो कुंभलगढ़ पैलेस में है। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत एक्सपीरियंस यूनिक था। तो हमने शेयर किया था वीडियो में, तो आप ज़रूर देखना। और अभी तक क्या है कि हमने होटल में ब्रेकफास्ट के साथ बुकिंग नहीं की थी, तो ब्रेकफास्ट हमें अलग से पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स, इस रूम का प्राइस अबाउट 2300 रुपीज़ में हमें पड़ा है पर नाइट। और ये बुकिंग हमें ऑनलाइन की थी अगोडा की वेबसाइट से। और हमें अगोडा से बहुत ही अच्छी डील मिली थी, लेकिन ये प्राइस जो है वो ब्रेकफास्ट के बिना है। ब्रेकफास्ट का हमने अलग से पे किया था, जैसे हमने आपको बताया था। तो अभी हम निकल रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ। तो चलिए हम आपको कुंभलगढ़ फोर्ट का टूर दिखाते हैं। गाइस, हम लोग फाइनली कुंभलगढ़ फोर्ट में आ चुके हैं। yes. सुकेश पाजी ने पहना हुआ है येलो डर्टी फेलो। हम लोग बस अभी कुंभलगढ़ चढ़ ही रहे हैं ऊपर। काफी स्टीप वॉक है वैसे। चलो ऊपर चढ़ो हुआ। सुकेश साहब उल्टे क्यों चल रहे हो? पीछे देखो।